नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने कई बार मुझे ये प्रश्न आया है कि भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा किस पुराण में वर्णित हमें प्राप्ति देती है। तो आज आपके सामने में सत्यनारायण भगवान की कथा दो पुराण में दी गई है, उसकी सारी बातें आपके सामने में रखने वाला हूँ। एक कथा जो प्रचलित है, जो स्कंद पुराण में दी गई है, हम सब वो कथा जानते हैं, लेकिन दूसरी कथा है वो भविष्य पुराण में भी दी गई है। साथ ही ये दोनों पुराण में क्या भेद है, साथ ही कथा कब करनी चाहिए, सब बातें आज आपके रखने वाला हूँ। दोस्तों, स्कंद पुराण में जो कथा दी गई है और भविष्य पुराण में जो कथा दी गई उसमें भेद कितना है। सबसे पहले पूजा में किसी प्रकार का भेद नहीं दिया गया है, लेकिन कथा में भेद दिया गया है। जो स्कंद पुराण में कथा दी गई है वो क्रम रहता है। सबसे पहले भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा का महिमा श्री हरि ने अपने मुख से जो नारद जी को बताया है वो पहली कथा आती है। बाद में जो कथा आती है वो काशीपुर में रहने वाले सतानंद ब्राह्मण की कथा आती है। बाद में लक्कड़हर की कथा आती है। क्रम में उल्कामुख नामक राजक की कथा आती है। साथ बाद में जो कथा राजा के पास सुनी है वो साधु वणिक की कथा हम सुनते हैं। और लास्ट जो कथा हम सुनते हैं वो वंशध्वज माने अंगध्वज राजा की कथा हम सुनते हैं। ये स्कंद पुराण का क्रम दिया गया है, लेकिन जो स्कंद पुराण है उसमें कहाँ कथा दी गई है, रेवा खंड है, साथ ही अंतिम अध्याय में कथा हमें जानकारी पूरी मिलती है। दोस्तों, कई बार मैंने सुना है कि कई लोग कहते हैं ये कथा मनमुखी है या किसी ने दी गई है। नहीं, ये मनमुखी कथा नहीं है। ये कथा हमारे पुराणों में पूरी तरह विस्तार से दी गई है और इसका प्रभाव, इसकी महिमा भी हमारे शास्त्रों में वर्णित हमें प्राप्त रहती है। साथ ही दोस्तों, ये भविष्य पुराण में भी ये कथा का वर्णन हमें प्राप्त रहता है। भविष्य पुराण में ये कथा प्रचलित है, लेकिन कहीं प्रांतों में ऐसा देखा गया है कि अक्सर स्कंद पुराण के नियम के अनुसार कथा करते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों में थोड़ा सा भेद है। भेद ये है कि स्कंद पुराण के अनुसार जो हम कथा करते हैं उसमें जो कलश की पूजा रहती है वो एक कलश की पूजा होने के बाद कथा का पूरा क्रम है, लेकिन भविष्य पुराण में जो कथा दी गई है उसमें 5 कलश की पूजा दी गई है और उसका क्रम थोड़ा सा भेद हमें यहाँ प्राप्त रहता है। दोस्तों, आज आपके सामने ये चर्चा इसलिए रख रहा हूँ, सत्यनारायण भगवान की कथा है बहुत प्रचलित है, सभी प्रदेशों में ये कथा का वर्णन हमें प्राप्त रहता है, लेकिन जो जानकारी आपके सामने मैंने रख रहा हूँ बहुत ही कम बार आपने ये सुना होगा। हमारे पुराणों में अक्सर सारी बातें लिखी गई है, इसलिए मैं बार बार आपके सामने शास्त्रों की बातें करता हूँ। सत्यनारायण भगवान की कथा भविष्य पुराण में जो दी गई है वो हमें कहाँ मिलती है, प्रतिशत पर्व में ये कथा का प्राप्ति रहती है, साथ ही द्वितीय खंड में कथा का वर्णन दिया गया है। लेकिन भेद कहाँ है दोस्तों? भेद ये है कि सबसे पहले जो कथा है उसमें भी क्रम है, वो पहली कथा सत्यनारायण भगवान की महिमा और पूजा का महिमा क्रम में पहले आता है, लेकिन बाद में काशीपुर में रहते हुए जो ब्राह्मण की कथा है वो भी उसका क्रम है। अब भेद की कथा है, अलग कथा जो दी गई है वो मणिपुर निवासी चंद्रचूंड राजा की कथा यहाँ अलग से दी गई है। साथ ही यहाँ दोस्तों निषाद लकड़हर के भी कथा गई, लेकिन लास्ट में जो कथा दी गई है वो है साधु वणिक की कथा यहाँ दी गई है, लेकिन एक ही कथा में भेद हमें देखने को यहाँ मिलता है। अब दोस्तों, कथा कब करनी चाहिए? सबसे पहले
नारद जी ने भगवान से ये प्रश्न किया था, ये कथा कब करनी चाहिए। तो भगवान ने अपने मुख से श्री हरि ने कहा, ये कथा कभी भी कर सकते हैं, भगवान के भक्त ये कथा कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई जगह श्लोक में लिखा गया है कि आपको कथा करनी है तो कब करनी चाहिए, इसका परिणाम, इसका फल अधिक गुना प्राप्त रहता है, इसका वर्णन हमें शास्त्रों में प्राप्त रहता है। तो कब करनी कथा चाहिए, दोस्तों सब विस्तार आपके सामने मैं रखूं। उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो शास्त्र की बातें आपके सामने हम रखते हैं, और भी शास्त्र की बातें आपके सामने हम रखते रहेंगे। साथ ही दोस्तों आज आपके सामने मैंने कथा कब करनी चाहिए बातें रखने वाला हूँ, लेकिन अगले एपिसोड में, अगले भाग में कथा की प्रसादी, जिसको हम भोग कहते हैं, भगवान को क्या क्या अर्पित करना चाहिए शास्त्र के अनुसार, साथ ही कथा कब करनी चाहिए, सुबह करनी चाहिए शाम को करनी चाहिए, वो भी वर्णन अगले एपिसोड में रखूँगा। आज तो मैं कहने वाला हूँ कथा की कब करनी चाहिए, समय नहीं कहने वाला हूँ, लेकिन कब करनी चाहिए शास्त्रों के अनुसार, श्लोक के साथ आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों श्लोक में लिखा गया है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि कब कथा करनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका जो मत शास्त्रों में दिया गया है वो आपको कहने वाला हूँ। पूर्णमाश्याम च संक्रांतो कृतवान सत्यपूजनम यह लोके सुखम भुक्त्वा चानन्ते सत्यपुरम ययो। दोस्तों इस श्लोक में क्या कहा गया है, तो आप जब पूर्णिमा आती है तब ये कथा करने से जो फल मिलता है बहुत अधिक फल मिलता है, लेकिन संक्रांति आती है उस दिन भी ये कथा करने से इसका फल बहुत ही उत्तम रहता है। संक्रांति कब आती है, तो एक संक्रांति तो बहुत प्रचलित है जिसको मकर संक्रांति हम कहते हैं, लेकिन यहाँ इसका अर्थ यह भी है कि संक्रांति माने सूर्य जिस भी राशि में प्रवेश करे, एक मास में सूर्य का परिवर्तन रहता है, तब ये कथा करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन तो हम कथा करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ अगर संक्रांति के दिन हम करना चाहे तो उसका भी फल हमारे जीवन में बहुत ही उत्तम प्राप्त रहता है। साथ ही दोस्तों प्रदोष के काल में भी कथा करने से हमारे जीवन में उसका अधिक फल हमें प्राप्त रहता है। ये मास में, ये तिथियों में आपके सामने बातें रखी है, लेकिन दोस्तों अगर हम हर पूर्णिमा के दिन कथा न कर सके, हमारी इतनी स्थिति नहीं है, या किसी भी कारण अनुसार पूर्णिमा के दिन कथा न कर सके, संक्रांति के दिन कथा न कर सके, प्रदोष के काल हम कथा न कर सके, तो दोस्तों 6 मास में एक बार तो हमें कथा करनी ही चाहिए। ये हमारे घर में भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा करने से सबसे पहले लाभ रहता है, हमारे परिवार के जो विचार है वो परिवर्तन देता है, हमारे घर में भगवान सत्यनारायण भगवान के आगमन से, पूजा से हमारा घर बहुत पवित्र रहता है, हमारे घर में ऊर्जा का, अच्छी ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। हमारे घर में भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा करने से माँ लक्ष्मी जी का आगमन रहता है, साथ ही हमारी भक्ति बढ़ती है। भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा करने से हमारा ज्ञान और भगवान की भक्ति से भगवान की चरणों की सेवा हमें प्राप्त रहती है। दोस्तों भगवान की कथा करने से, कथा में तो बहुत ही वर्णन दिया गया है कि हमारे जीवन में जो वस्तु नहीं है वो भगवान की कृपा से प्राप्त रहती है, इसलिए ये कथा पूर्णिमा के दिन कीजिए, संक्रांति के दिन कीजिए, या प्रदोष काल में कीजिए। अगर आप ये दिनों में न कर सके तो 6 मास में एक बार जरूर करें, अगर ये भी न कर सके तो वर्ष में, एक वर्ष में कोई भी, आप अपने आप से एक कोई तिथि
आप फिक्स कर दीजिए कि इस दिन हमें भगवान की कथा करनी है। जैसे दोस्तों किसी का जन्मदिन हमारे परिवार में आया है तो उस दिन हम कथा करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रसंग हो जाएगा, भगवान के हम गुणगान गाएंगे। किसी के साल गिराई है तो उस दिन भगवान की कथा कर ले, बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही हमारे पितरों की किसी तिथि का वर्णन है, जैसे हमारे पितरों में किसी की पंचमी है, एकादशी है, ऐसे कोई उत्तम तिथि आ रही है तो उस दिन भी भगवान का जो कथा करने से, भगवान के नाम सुनने से हमारे पितरों को मुक्ति भी मिलती है। भागवत में जैसे शास्त्र में दिया गया है कि भागवत जी हमारे घर आने से हमारे पितरों का मुक्ति प्राप्ति रहती है। ऐसे हम इतना बड़ा काम ना कर सके लेकिन भगवान की कथा करने से हमारे घर में बहुत से लाभ मिलते हैं। इसलिए आपके घर अच्छा प्रसंग भी हो जाए, साथ साथ भगवान का गुणगान भी हो जाए। दोस्तों आज आपके सामने मैंने एक कुछ अद्भुत बातें रखी है जो बहुत से लोग कम जानते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में मैंने पहले भी कहा है कि आपके सामने कथा कब करनी चाहिए, सुबह या शाम, या भगवान को भोग क्या अर्पित करना चाहिए। अलग अलग प्रदर्शों में हम देखते हैं अलग अलग भगवान को भोग अर्पित करते हैं, लेकिन शास्त्र में क्या दिया गया है वो बातें सारी आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। दोस्तों आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।